मोदी साहब एक आतंकवादी की लाश को दिखा दें, हमें सुकून मिलेगा, सुकून मिलेगा। जिन्होंने हमारे देश के शहीदों की जान ली, हमारे ही घर में, आप कम से कम तस्वीर मार के आए, दिखा कर दो। जवान हुए तो कोई ना कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पे दिखा दिया, हम लोगों ने देखा उनके चिथड़े हुए, लेकिन आतंकवादियों के चिथड़े क्या आप में से किसी ने देखे? आप बोलेंगे नहीं, यहाँ पर मोदी जी खड़े होंगे तो आपको आप ऐसे ऐसे करेंगे, मीडिया में आप कहेंगे लोग बोल रहे थे, हाँ हाँ देखा। अब ये बहुत अहम बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये सत्ता के लिए ऐसे लोग आज सत्ता में विराजमान है जो सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन ये देश और देश के आवाम, हमारे देश के जवान, हमारे देश के बुजुर्ग, हमारे देश की महिलाएं, वो महिला है जब देश पर आ जाने की बात होती है तो सत्ता पे उतारने में दो मिनट की भी देरी नहीं लगती। आज उनको इस बात को बताना, इस बात का एहसास कराना बहुत जरूरी है। नकली करेंसी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, सब खत्म हो गया ना, सब खत्म हो गया। ये जो मुंगेरी राम के सपने हैं, 155 लोगों को लाइन में खड़ा करके मार दिया, वही सिचुएशन ये एनआरसी और एनपीआर में लाना चाहते हैं। दिलानों में खड़े हो जाइए, जितने गरीब लोग हैं और छोटे बड़े अधिकारियों को 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 दीजिए, और वो पदाधिकारी आपकी सिटीजनशिप और आपकी भारतीयता तय करेगा कि आप भारतीय हैं कि नहीं। क्या हम बर्दाश्त करेंगे? वो भ्रष्टाचार अधिकारी हमें बताएगा कि हम भारतीय हैं कि नहीं। वो पदाधिकारी हमें बताएगा कि हमने यहाँ पर खून पसीना एक किया, 70 साल से यहाँ है, लेकिन हमारे दादाजी नहीं थे तो भैया हम तो शरणार्थी हो गए। ये देश उन व्यक्तियों को शरणार्थी, शरणार्थी वोट उनके लिए हम यूज नहीं करेंगे। वैसे घुसपैठियों को हम निकालने का भी काम नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता से उतारने का काम करेंगे। ये वैसे घुसपैठिए हैं जो घर में रह के लोगों के घुसपैठ का काम कराना चाहते हैं। ये वैसे घुसपैठिए हैं जो घर में रह के आग लगाने की घुसपैठ करते हैं। ये वैसे घुसपैठिए हैं जो घर में रह के नफरत की घुसपैठ लाने का काम करते हैं। ऐसे घुसपैठियों को हम लोगों को अपने एक एक घर से निकालने का काम करना है। और जो भी सच्चा हिंदुस्तानी है वो इस मुद्दे के साथ, संविधान के साथ है, वो इस मुद्दे के साथ सेक्युलरिज्म के साथ है। मैं यही कहकर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज 20 दिन से जिस मजबूती के साथ आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। और इतना मैं आपको जरूर विश्वास दिलाऊंगी कि मैं जब राजनीति में आई तभी राजनीति के लिए राजनीति में नहीं आएगी, आज भी मुद्दों के लिए राजनीति में हूँ। मैं यहाँ रहूं, दिल्ली में रहूं, देश के किसी कोने में रहूं, हम संविधान के लिए आपके साथ खड़े हैं, चाहे जितनी भी लड़कियां खड़ी करे, हम सब एक हैं और हम चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी ने क्या बोला कि हमने है ना बिना जांच के, बिना जो एक सेक्युलर आता है, सर्कुलर आता है, उसके उन्होंने एनआरसी शुरू कर दी। ये बहुत ही गंभीर विषय है जो कल मीडिया में भी मजबूरन दिखा रहा था, मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि नहीं नहीं
ये तो अनऑफिशियल एनआरसी हम कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक सोच है, उत्तर प्रदेश के लोग भी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे वेस्ट बंगाल के लोग भी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, पंजाब के लोग भी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोग भी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे लगता है 30 में से 30 जो हमारे प्रदेश है सब उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक बहुत ही गुप्त बात बताने आई हूँ कि अगर मोदी साहब सुन रहे हैं तो सुन लें कि बीजेपी के भी बहुत सारे विधायक एनआरसी और एनपीआर से खुश नहीं है, साइड से नहीं होगा, चुपचाप ना बातें करते हैं कि ये लोग हमको पिटवाने का काम ये बहुत जरूरी है। यही कह के आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, खासकर अपनी माँ बहनों का मैं तहे दिल से, और मैं चाहूंगी कि आपकी ये रोशनी ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये देश की रोशनी है, ये देश के संविधान की रोशनी है, ये देश को एक रखने की रोशनी है, और ये हमेशा ऐसे ही जाता रहे जब तक हम लड़ाते। अजय से एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने युवाओं को, जब भी एनसीआर और एनआरसी की बात हो तो आप एक ही बात कहे कि भैया हमको नौकरी है, क्योंकि डरपोक लोग हैं, इतना हिम्मत नहीं है 100 करोड़ लोगों का गुस्सा पार्लियामेंट के अंदर ले, लेकिन ये पहचाना चाहते हैं, ये बार बार करते रहेंगे। जहां तक बिहार का सवाल है, मुझे नीतीश बाबू में तरस आता, बहुत तरस आता। नोटबंदी हुई तो कहा ठीक हो, 20 दिन के बाद बोलते हैं नहीं ठीक, जीएसटी हुआ बोले ठीक हुआ, फिर कुछ दिन के बाद बोलते हैं नहीं ठीक नहीं हुआ। ये मुंह में राम भगत में छुरी, अभी बोलते हैं पार्लियामेंट में हम सपोर्ट करेंगे, पार्लियामेंट में सीए को सपोर्ट किया, अभी कहते हैं चुनाव सब पे है तो नहीं नहीं एनआरसी को बिहार में लागू नहीं करते। अगर इतनी हिम्मत है नीतीश बाबू, इतनी हिम्मत है तो उनका हाथ छोड़िए और बिहार का मैदान में अकेले निकल जाइए और कहिए कि मैं एनआरसी के खिलाफ हूँ, यहाँ लागू नहीं होगा, लेकिन मैं भाजपा के तरफ से नहीं रहूंगा। ये जलवैया भी करेंगे, उससे ज्यादा लोग मैदान में, उससे ज्यादा युवा मैदान में। मैं अपने युवाओं से कहने आई हूं कि जब आप मोदी शाह जी आपसे एनआरसी और सीए और एनपीआर की बात कहें, बोलिए उसकी बात छोड़िए, पहले नौकरी देने की बात करिए। सीए की बात करें तो कहिए उसकी बात छोड़िए, पहले बेरोजगारी की बात करिए। ये हिंदू मुसलमान की बात कहें उनको बोलिए ये बात छोड़िए, पहले महंगाई की बात करिए। हो गया 370 राम मंदिर, सारे मुद्दे आपने खत्म, ये हमारी महिलाएं बैठी है, इन्हीं के नाम में आपने उत्तर प्रदेश और बिहार कई जगहों में वोट लेने का काम किया कि मुझे बहुत दर्द है, बहुत दर्द है उन महिलाओं का जिनका 3 तलाक हो जाता है अवैध तरीके से, लेकिन